हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि कुशवाहा। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रॉयल रवि 7 में। दोस्त, मैं रेडमी नोट 11 का जो कैमरा का जो फीचर है ना, उसके बारे में, सेटअप के बारे में मैं कुछ बतलाने जा रहा हूँ। जैसे कि होता है ना दोस्त, जैसे कैमरा का सेटिंग किस प्रकार से करते हैं तो आपका जो पिक्चर होगा जो बहुत बढ़िया से फोटो आएगा, है कि नहीं, जहाँ से पिक्चर आपका फटना नहीं चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी के साथ आपका पिक्चर आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं सिंपली सी स्क्रीन आ गया है, सीधा सिंपली सी कैमरा खोल देना है। कैमरा ओपन कर देंगे दोस्त। कैमरा ओपन करने के बाद क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर आपको जा करके और सीधा सेटिंग में चले जाना है। कहाँ चले जाना है दोस्त? सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जा करके सीधा आप यहाँ पर जो भी है यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्त क्लियर ऑल डाटा कर दीजिएगा। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद उसके बाद यहाँ पर कैमरा ओपन कीजिएगा। देखिए, उसके बाद अलाउ दीजिएगा। कैमरा ओपन करने के बाद अलाउ दीजिएगा। सिंपली से अब यहाँ पर आ जाइएगा। अब सेटिंग में आ जाना है और सीधा सेटिंग में आने के बाद एंटी ब्लरिंग यहाँ जो है यहाँ 60 हर्ट कर देना है। ठीक, यहाँ पर जो होता है ना एंटी ब्लरिंग यहाँ 60 हर्ट कर दीजिएगा तो बेहतर जो होगा आपका आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, जो कैमरा का जो कोई भी कैमरा का जो पिक होता है ना, अच्छा पिक आता है जो यहाँ पर दे रहा है 3:3:4 जो होता है ना, इस पर आता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का फ़ोटो आता है कि नहीं। अगर आप फुल कर देते हैं तो यहाँ से क्या होता है ना, फ़ोटो उतना बेहतर नहीं आ पाता है दोस्त। और यहाँ पर अगर आप 3:4 कर देते हो, 3:4, तो बेहतर आता है। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ग्रिड लाइन, जो ग्रिड लाइन का आप यूज करते हैं तो इससे ही आपका प्रॉफिट यहाँ से ग्रिड लाइन के यूज करने से होता है ना, चारों कोण को बढ़िया तरीके से कैप्चर कर लेता है। जब चारों कोण को कैप्चर करता है बढ़िया तरीके से तो बहुत बेहतर फ़ोटो आता है दोस्त। ठीक, और यहाँ से ग्रिड लाइन कर लेना है। और देखिए, हर एक चीज़ इसमें इतना ज़बरदस्त फीचर दिया हुआ है। जैसे देखिए ना, यह हो गया जो आपका टाइमिंग है, कितने सेकंड के बाद आपका कैमरा मतलब पिक्चर क्लिक होना चाहिए, ये सब आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। सिंपली से देखिए, अब जो अपडेट आया था जो MI 13 कुछ करके जो अपडेट है जो आया था, सो मैंने अपडेट कर दिया। तो जो इसमें चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट आ गया है, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मूड, है कि नहीं। देखिए, यहाँ से जो है नाइट मूड आ गया है, जो नाइट में भी अगर फोटो लेते हैं तो बेहतर आपका फोटो आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से बने प्रो में आप आते हैं। देखिए, प्रो में आते हैं तो प्रो में क्या सुविधा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आपको लाइट को, यहाँ पर लाइट को किस प्रकार से करना है, हर एक चीज़ जैसा आपका मर्जी हो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज का प्रकाश है, देखिए कैसा है। देखिए, इसको ऐसा कर सकते हैं, यानी जिस हिसाब से देखिए, अगर किसी चीज़ को फोकस करना है तो आप उस चीज़ को फोकस यहाँ से आप बढ़िया तरीक़े से कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे कि शेडो है, आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हो गया। देखिए, इधर आ जाएगा पूरा, मतलब अति हो गया है। देखिए, अब यहाँ से धीरे 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 आप कर दीजिएगा ऐसे। देखिए, अगर आप ऐसे कर दे पूरा नाइट हो जाएगा, लगेगा जो कि नाइट है कि नहीं। ISO है, इसको भी ऐसा ही आप कर सकते हैं, यानी जितना जिस तरह से आप सजाना चाहे कैमरा को, उस प्रकार से आप सजा सकते हैं। जिस प्रकार से होता है ना DSLR कैमरा में जो आता है, उस प्रकार से फीचर इसमें दिया गया है। देखिए, जो इसमें है जो कि कम बेस, यानी जो नज़दीकी है, दूर, और यानी जूम इन और आउट करने का, या जो सिंपली सी साधन है,